नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इंडिया न्यूज चैनल में। दोस्तों, यदि आप सभी का खाता SBI के खाते में है तो आपके लिए एक सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और इसी के साथ जो भाई तथा बहन बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं और उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं, उन सभी के लिए भी एक नई अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे बैंक में खाता भी खुल पाएंगे। और इसी के साथ क्या वो बड़ी अपडेट जो है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों की मुश्किलों का आसान करने में हमेशा ही लगी रही है। इस बार उन्होंने ग्राहकों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए नेट बैंकिंग की सुविधा को और आसान कर दिया है। आपको बता दें कि पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से नेट बैंकिंग करने के लिए बेनिफिशियरी नेम ऐड करना पड़ता था, लेकिन SBI ने इसे हटा दिया है। अब आप बिना बेनिफिशियरी नेम ऐड किए भी खाते से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके लिए चंद मिनटों का टाइम ही लगेगा। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि SBI से SBI के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने में आपको चंद मिनटों में ही बिना बेनिफिशियरी नेम ऐड किए आप चंद मिनटों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको IFSC कोड और NEFT विकल्पों का इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही SBI ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इस सुविधा के जरिए ग्राहक प्रतिदिन के 25,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक ट्रांसफ़र के दौरान 10,000 रुपये तक भेज सकेंगे। SBI की ओर से दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है वह उन लोगों के लिए जो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर ही बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। आपको अपने मोबाइल में SBI का योनो YONO ऐप डाउनलोड करना होगा। SBI के योनो ऐप से आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, डेली शॉपिंग जैसी जरूरी काम घर बैठे निपटा सकते हैं। वहीं इस खाते के द्वारा आपको इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं इस खाते के द्वारा आप 1,00,000 रुपये तक की लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल के आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।